हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। ये है बैटल ग्राउंड सीजन 7 का एक और मैच यहाँ पे। अब जैसे ही हम एक और मैच जीत जाते हैं तो आई थिंक मैं ब्रोंज 1 पे चले जाऊंगा। और यार टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे बैटल ग्राउंड ज़्यादा खेलने का, लेकिन टोकन वाला मैच खेलते हैं, जल्दी से एंटर करते हैं एंड लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। और वही लोकल नोट तो सही है, सब सेम है, ब्रूट फोर्स भी सही है, फाइट और फाइट ये जो है यहाँ पे, ये अनस्टॉपेबल वाला, ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि समझने में बहुत, मतलब कभी कभी लेट हो जाता है यार 12 सेकंड देखने में। एंड मैच है हमारा EDSU लिविंग डेंजरसली टाइटल है, इनके साथ मैच है, लेट्स सी देखते हैं क्या होने वाला है इस मैच में। ओके, तो यहाँ पे मैं जो बैन करने वाला हूँ वो है यहाँ पे गैलन, सबसे पहले बैन होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे शूरी को बैन कर लूँ क्योंकि बाकी सबसे मैं टैकल कर लूँगा, शूरी को बैन करूँगा। और ब्लैक विडो नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पे शूरी बैन करने वाला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ यार ये इसका नाम क्या है, मिस्टी नाइट को सोच रहा हूँ बैन करने के लिए। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ डोमिनो को बैन कर दूँ, यहाँ तो स्कॉर्पियन भी है, मिस्टी नाइट को करने वाला हूँ मैं बैन क्योंकि ये एड करती है, प्यूरीफाई करती है तो प्रॉब्लम देगी। स्कॉर्पियन से भी लड़ लेंगे, इसे मेरा अटूमा एब्जॉर्बिंग और इनफेमस बैन किया है। ओके, इसने मिस्टिक स्पाइडी लिया है, हम यहाँ पे डेफिनेटली ड्रैगन मैन लेने वाला हूँ एंड नल लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो नल तो मैं ऐसे अटैकर बहुत सही यूज़ कर लूँगा, ड्रैगन मैन देखो यार इसका सिर्फ पावर गेन है, एक बार पैरी किया तो ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ तक, जहाँ तक मेरे को याद है, इसे निमरॉड नहीं देखा मैंने शायद इसके रोस्टर में, तो सौरॉन ले रहा हूँ मैं। अगर ये यहाँ पे मेफिस्टो उठा रहा है तो मेरे को किटी प्राइड चाहिए, अल्ट्रॉन उठाया इसने तो मोलमैन काम कर जाएगा, मोलमैन मिल गया, फैल्कन भी है वैसे मेरे पास। ओके, यहाँ पे ह्यूमन टॉर्च तो डेफिनेटली उठाने वाला हूँ मिस्टिक स्पाइडी के लिए, मोलमैन में अल्ट्रॉन से भी लड़ पाएगा और एज ए डिफेंडर भी काम कर जाएगा मोलमैन, हाँ ये बेस्ट रहेगा। ओके, आई थिंक ये किंग पिन उठाने वाला है। ओके, इसे स्कॉर्पियन लिया और किंग पिन उठाया इसने, ओके कोई बात नहीं, ये भी काफ़ी सोच समझ के ही बंदे उठा रहा है, ठीक है कोई नहीं। ओके, यहाँ पे थिंग उठा रहा है, ये स्कॉर्पियन की जगह थिंग उठाया है इसने, अगर ये थिंग ले जाता है तो मुझे यहाँ पे फैल्कन की ज़रूरत है, नहीं तो शांगची की ज़रूरत है। ओके, मैं भी मिस्टिक स्पाइडी लेने वाला हूँ क्योंकि इसके पास भी काउंटर नहीं है मिस्टिक स्पाइडी का, और डोमिनो ले लेता हूँ, रैंक थ्री की है ये, रैंक थ्री सिग्नेचर 2, और मिस्टिक स्पाइडी भी मेरा रैंक 3 का है। और अब ये आई थिंक डूम, डेफिनेटली डूम लेने वाला है ये, और मेरे ख्याल जबारी उठा सकता है, यहाँ तो हाइपरियन भी प्रॉब्लम करेगा मेरे लिए, देखते क्या उठाएगा ये अपना डूम। तो मेरे को लगता है ये शायद डिफेंस में डालने वाला है क्योंकि डूम का मेरे पास है यार, यहाँ पे अटैकर है, काउंटर है, मोलमैन भी ले सकता हूँ, ह्यूमन टॉर्च भी ले सकता है मोल उसको डूम को। ओके, यहाँ पे से वेनम और डूम उठाया है, हम यहाँ पे कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर को लेंगे क्योंकि ये अनस्टॉपेबल को टैकल कर लेता है, इसीलिए मैं यहाँ पे कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर को उठाने वाला हूँ। और अगर ये थिंग लेता है तो थिंग से मैं कैप्टन अमेरिका से मार सकता हूँ। ओके, चलो देखिए पहला राउंड यहाँ पे शुरू हो गया है, लेट्स सी देखते हैं पहले राउंड में क्या होता है, जीतते हैं या नहीं एंड देखा जाएगा। ओके, यहाँ पे मिस्टिक स्पाइडी इसने डाल दिया सबसे पहले ही डिफेंस में, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या ले सकते हैं। मैं देखो इसके पास निमरॉड नहीं है ना, मोलमैन डूम से नहीं ले सकता ये मोलमैन को। ओके, हम भी मिस्टिक स्पाइडी डालते हैं ना क्योंकि इसके पास भी काउंटर नहीं है भाई मिस्टिक स्पाइडी का, हाँ यार। ओके, आई थिंक इसके पास, ओके किंग पिन से लेने वाला है ये, इसको हैवी स्पैम करने पड़ेंगे भाई, हैवी स्पैम करने पड़ेंगे, पहले मीडियम पे ये फेज में चले जाता है मिस्टिक स्पाइडी, तो हमें भी हैवी स्पैम करना है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर को ही लेके जाते हैं, क्लास बोनस भी है प्लस जो भी अटैक ये करेगा सारे ग्लैंस होंगे मिस्टिक के, मिस्टिक स्पाइडी जो भी डिफेंडर हम पे अटैक करेगा वो यहाँ पे ग्लैंस होंगे। जल्दी से शुरू करते हैं मैच को एंड लेट्स सी देखते हैं, हमें हैवी स्पैम करना होगा और पहला मीडियम अगर हम यूज़ करेंगे तो वो फेज में चला जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है और अनस्टॉपेबल का भी ध्यान रखना है, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। यहाँ पे मैं हैवी स्पैम तो कर रहा हूँ, हैवी स्पैम करते करते मेरे को स्पेशल 2 पे जाना पड़ेगा और इसकी हेल्थ भी ज़्यादा नहीं है, 120,000 की हेल्थ है, कोई नहीं देख लेंगे हम। ओके, स्पेशल 1 फेंका उसने, अच्छी बात यह है कि इसका भी ग्लैंस हो रहा है बार बार, अरे भाई पिट गया यार, शिट मैन पैरी का प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। ओके, ये दिया हमने स्पेशल 2। ओके, मेरे पास, हाँ मेरे पास यहाँ पे वो नहीं था, काइनेटिक एनर्जी नहीं था, इसलिए यहाँ पे अनस्टॉपेबल को टैकल नहीं कर पाया मैं, यहाँ पे हैवी स्पैम कर सकते हैं हम, हाँ बहुत बढ़िया। ओके, स्पेशल 1 अगेन इसे स्पैम किया है,
हमने किया पैरी, एक और हम हैवी स्पैम कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं एंड आई थिंक ये फाइट ओवर हो चुकी है। एक मिनट के अंदर हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे डैमेज हमें मिल चुका है। अब इसको हेल्थ ज़्यादा रखनी पड़ेगी मेरे से, और अरे भाई जीत गया मैं ये पॉइंट, उसकी हेल्थ तो ज़्यादा ही है मेरे से वैसे, लेकिन उसने टाइम ज़्यादा लगाया। ठीक है, ये पॉइंट हम जीत चुके हैं एंड नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या होने वाला है। कि यहाँ पे नेक्स्ट राउंड आ चुका है एंड मोल मैन डालने वाला हूँ, क्योंकि देखो डूम से मार नहीं पाएगा मोल मैन को, वेनम अल्ट्रॉन से भी मेरे ख्याल मार नहीं पाएगा, मेफिस्टो से तो नहीं मार पाएगा, रह गया वेनम इसके पास ऑप्शन। थिंग ऐसे थिंग डाला, ओके थिंक को मैं डोमिनो से लेने वाला हूँ, क्योंकि क्रिटिक फेलियर दे देती है ये, तो सही रहेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कोई सही ऑप्शन है, वैसे ह्यूमन टॉर्च भी सही ऑप्शन था, लेकिन कोई नहीं। ओके वेनम ही था इसके पास काउंटर, और कुछ काउंटर नहीं होता इसका, वैसे मेरे को लगता नहीं है वेनम से भी ये इसको मार पाएगा मोल मैन को। एनीवे कोई नहीं, हमें 167,000 की हेल्थ है, जल्दी से शुरू करते हैं इस मैच को, लेट्स सी। हमें हैवी स्पैम करने हैं, बस हमें एक चीज़ का इधर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि हमें अनस्टॉपेबल देखना है बार बार हमें, कि अनस्टॉपेबल ना ही बने वो। एक यार कौन सा अनस्टॉपेबल, 12 सेकंड वाला जो अनस्टॉपेबल है वो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यार वो ही तुम्हें धोखा देगा और कोई नहीं दे सकता। अरे देखो जैसे ये धोखा दे गया मेरे को, शिट मैन, मैंने इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखा यार, फाइट में इतना फोकस हो जाता है बंदा उस चीज़ का ख्याल ही नहीं रख पाता है। एनीवे कोई नहीं, यहाँ पे ओके चलो मैं अनस्टॉपेबल बन गया हूँ, ये दिया मैंने स्पेशल। अबे स्पेशल क्यों नहीं हुआ, मैंने स्पेशल पे टैप किया यार। ओके स्पेशल 3 पे जाते हैं, 74% पे है, लेट्स सी देखते हैं एटलीस्ट 50 पे आ जाए, 50 पे घंटा आएगा मेरे को नहीं लगता। 64 पे आया यार, क्या यार, अरे भाई पिट गया भाई, ये राउंड गंदा गया, बहुत पिट गया हूँ मैं इसमें, अरे भाई साहब गंदा पिटा मैं इसमें यार। चलो कोई नहीं, हम मारने का ट्राई करते तब भी। ओके ये दिया एक और हैवी हमने, 41% पे है ये, 41% पे, अरे यार फिर अनस्टॉपेबल वाला सीन हो गया यार, शिट। ओके ये दिया हमने स्पेशल 2, 39, 32, 20% पे है ये, नाइस एंड ये अनस्टॉपेबल बनने वाला है, बन गया मैं वापस से पीछे होके एंड 15, 13%, क्या मैं नॉकडाउन कर पाऊंगा इसको, 10% है, 20 सेकंड रह गए। ओके 4% एंड 20 सेकंड रह गए, अरे भाई मर गया। चलो हमने नॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन मार बहुत पड़ी है इसको, हेल्थ मेरे से ज़्यादा रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हेल्थ रखनी पड़ेगी तभी ये राउंड जीत पाएगा, वरना टाइम से तो नहीं जीत पाएगा। अगर हेल्थ कम हुई और नॉकडाउन भी करना पड़ेगा मेरे डिफेंडर को, तभी जाके ये जीत पाएगा। देखते हैं, लेट्स सी देखते हैं ये पॉइंट हम जीतते हैं या नहीं, और इसी के साथ अगर ये मैच जीत जाते हैं, ये राउंड जीत जाते हैं, तो इसी के साथ में हम ब्रोंज 1 पे भी चले जा चुके हैं, ये मैच हम जीत चुके हैं। चलो बढ़िया हो गया यार, वेनम से तो वैसे ही मोल मैन को नहीं मार पाता, ये बहुत मुश्किल था वेनम से। एनीवे हम ब्रोंज 1 पे आ चुके हैं, और ये रहे ब्रोंज 1 के रिवॉर्ड, तो मिलता हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।